एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द टूल्स ऑफ 12th जनवरी 2018। पहला आर्टिकल है रेडी फॉर सेल। एफडीआई में सरकार जो चेंजेस लेके आई है उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। इसमें तीन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि एयर इंडिया में अप टू 49% ओवरसीज ओनरशिप अलाउ है, मतलब कोई फॉरेन एयरलाइन भी आके एयर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। प्रॉब्लम ये थी कि एयर इंडिया बहुत नुकसान में चल रही थी, कुछ 50,000 करोड़ का कर्जा था एयर इंडिया पे। इसी के चलते कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6 महीने पहले इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए हामी भर दी थी। सेकेंड पॉइंट है कि सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है। नंबर थ्री, रिलैक्सेशन ऑफ मैंडेटरी लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स। तो मान लो कोई फॉरेन कंपनी है जैसे एप्पल, वो इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है, लेकिन इंडिया का ये रूल था कि 30% जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो इंडिया से ही लेने हैं। एप्पल तो यूज करेगी एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडिया में कहां मिलेगी। तो उसी के चलते ये रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का। यूनिट लगाने के 5 साल तक का समय होगा, वो बाहर से अपना रॉ मटेरियल्स ले सकती है, लेकिन उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करेगी। ठीक है, 5 साल का समय काफी होगा लोकल सप्लाई चेन क्रिएट करने के लिए। सेकेंड आर्टिकल है द रोड स्टिल रन्स थ्रू रामल्ला। तो ये जो बीच का बड़ा वाला आर्टिकल होता है ये है, लेकिन समझने वाले तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है इंडिया इजराइल रिलेशंस। तो बायलेटरल टाइज इंडिया इजराइल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तीन पॉइंट्स हैं। पहला है डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसराइल जो भी अपना सामान एक्सपोर्ट करता है डिफेंस के मामले में, उसका 40% तो इंडिया ही खरीद लेता है। सेकेंड, काउंटर टेररिज्म में। और तीसरा, एग्रीकल्चर और वाटर टेक्नोलॉजी, दोनों ही ऐसे फील्ड है जिसमें इंडिया की हालत खस्ता है, ठीक है, और इसराइल से हमें सीखने की जरूरत है, एग्रीकल्चर के मामले में भी और वाटर टेक्नोलॉजी। वो छोटा सा देश है, छोटा सा मतलब लैंड है, उसके बाद भी इतना डेवलप्ड है, इतनी टेक्नोलॉजी है उसके पास, डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी है जिससे वो नमकीन पानी से भी पीने वाला पानी बना लेता है। तो ये सब हमें इंडिया को इसराइल से सीखना है। हमारा जो डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी का रास्ता है वो इसराइल से होके गुजरता है, ऐसा आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि इसराइल और पैलेस्टीन में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, और यूएस जो है वो इसराइल का साथ ही है, और हमारे रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छे हैं और इसराइल के साथ भी अच्छे हैं। इसी के चलते 2014, 15 और 16 में जब भी वोटिंग की बात आई तो इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया इसराइल और पैलेस्टीन के इशू पे जब भी वोटिंग की बात आई तो इंडिया ने एब्सटेन किया, ठीक है। 2014 में भी एब्सटेन किया। 2015 में जब इसराइल ने गाजा उस पर बॉम्ब फोड़ा था, तब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वालों ने रेजोल्यूशन लाया था, उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया। 2016 में भी जब इंक्रोचमेंट के इल्ज़ाम लगा इसराइल पे, तब भी इंडिया ने एब्सटेन किया, लेकिन अब थोड़ा सा पॉलिसी चेंज लाया है 2017 दिसंबर में, जब यूएस ने ये अनाउंस किया कि वो जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल रिकॉग्नाइज करता है। तो इस मामले में इंडिया ने पैलेस्टीन का साथ दिया, ठीक है, और यूएस के अगेंस्ट वोट किया। तो यहाँ पे आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि एक ये लाइन लास्ट में लिखी हुई थी कंक्लूजन में, दैट रोड टू इंडियाज प्रोस्पेरिटी मे वेल रन थ्रू इसराइल, बट रोड टू इट्स ग्लोबल लीडरशिप एस्पिरेशंस ऑन वर्ल्ड स्टेज कैन नॉट बाईपास पैलेस्टीन, ठीक है। लेकिन जहां तक ग्लोबल लीडरशिप की बात है तो उसमें पैलेस्टीन का सपोर्ट हमें करना होगा और हम पैलेस्टीन इशू को बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही इंडिया ने किया है। थर्ड आर्टिकल है द एबीसी ऑफ आरटीई। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया, जो कि कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इसी को एनफोर्स करने के लिए जरूरत थी एक लॉ की। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया जो 2010 में अप्रैल में इन्फोर्स हुआ। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के आने के बाद बहुत फायदे हुए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत बढ़ गया, लेकिन फिर भी दो प्रॉब्लम्स बची हैं अभी, एक तो रिटेंशन और एक पीपल टीचर रेशियो। रिटेंशन, एनरोलमेंट बहुत बढ़ा है लेकिन रिटेंशन अभी भी बहुत कम है, ठीक है। ड्रॉप आउट केसेस बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, ऑर्फन, डिसेबल्ड या फिर सिंगल पेरेंट फैमिलीज की बात करें तो और भी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। सोल्यूशंस हैव टू बी लोकलाइज, ठीक है। बहुत सारी से रिटेंशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई जैसे मिड डे मील स्कीम्स वगैरह वगैरह, ठीक है। पीपल टीचर रेशो कहते हैं मतलब कितने बच्चों पे एक टीचर होना, ठीक है। तो उसकी गाइडलाइंस कुछ दी हुई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की तरफ से हिसाब से प्राइमरी लेवल पे 30:1 का रेशो होना चाहिए और अपर प्राइमरी लेवल पे 35:1 का रेशो होना चाहिए। इसी के साथ साथ यूडीआईएससी मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, इन्होंने भी अपनी लिमिट्स दी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की भी लिमिट दी हुई है। तो ये सब इतना याद तो रहेगा नहीं, खाली ऊपर वाला राइट टू एजुकेशन वाली लिमिट्स याद कर लेंगे ताकि कोट कर सकें कहीं पर, ठीक है। जैसे आर्टिकल में दिया हुआ नहीं था ये। खैर, यूडीआईसी ये भी कहता है कि 33% स्कूल्स जो ऐसे हैं वहाँ पे पीटीआर बहुत ही खराब है, मतलब ये पीपल टीचर रेशियो बहुत ही ज़्यादा खराब है 2015-16 के हिसाब से। लक्षद्वीप और बिहार का एग्जांपल दिया था। लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं तो बिहार में टीचर्स ही नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप 100% तो बिहार 16.67%। तो ज़रूरत है बहुत सारे टीचर्स को रिक्रूट करने की, लेकिन फिर उनके पैसे कौन देगा, ये प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो एक सोल्यूशन बताया है, लास्ट में बताया हुआ था कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमें सोचना चाहिए, मतलब जो एकेडमिक कैलेंडर है वो पूरे अभी देश का सेम रहता है सब स्कूलों का, वो ना करके लोकल अथॉरिटी को ये पावर देनी चाहिए कि वो एकेडमिक कैलेंडर डिसाइड करे, ठीक है, पंचायत बैठ के ये डिसाइड करे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वास्ट कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, सबके अलग अलग स्टेट्स में लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग एरिया में सोइंग हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स अलग होते हैं, कोई नेचुरल कैलामिटी अगर कहीं पे आ गई है तो अलग बा, तो इसी के चलते मान लो कहीं पे कोई लोकल फेस्टिवल है तो बच्चे वो लोकल फेस्टिवल वहाँ के अटेंड करेंगे, स्कूल की छुट्टी मारेंगे, ठीक है, तो बेहतर यही है कि वैसे ही स्कूल की छुट्टी कर दो, ठीक है। तो ये एकेडमिक कैलेंडर जो है वो लोकल अथॉरिटी को डिसाइड करना चाहिए। चौथा आर्टिकल है नीडलेस परस्यू, तो यहाँ पे जो इंडिया बात कर रही है यूएन में हमारी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज लाने की, तो उसके अगेंस्ट में ऑथर ने कहा है, ऑथर ने कहा है कि इंडिया जो है उस वो एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है और इसमें हमेशा से हमने गर्व महसूस किया है, तो फिर अब हिंदी की बात ले जाके हमारा एक गलत इंप्रेशन, खराब इंप्रेशन पड़ेगा, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, आर्टिकल ने बस ये लिखा था, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आती हैं, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, और 1973 में अरेबिक ऐड हुई, तो काफी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है तो सबको याद ही होगा, पता ही चल गया होगा, ठीक है। और नई लैंग्वेज को ऐड करने के लिए दो तिहाई सपोर्ट चाहिए, मतलब 129 आउट ऑफ 193 कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए, और ये सारी कंट्रीज शेयर करती है मतलब पैसा जो खर्च होगा, नई लैंग्वेज लाएंगे तो उसमें काम को ट्रांसलेट करेंगे सारी स्पीचेज वगैरह को, तो इसका खर्चा सबको उठाना पड़ेगा, तो एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कहा गया है, ठीक है। और एक पॉइंट ये था कि हिंदी और कहां कहां बोली जाती है, इंडिया के हिसाब अलावा फिजी, मॉरिशियस, गुयाना, इन सब में भी बोली जाती है, तो ये कंट्रीज़ के नाम देख लेना कहाँ कहाँ बोली जाती है, इंडिया के अलावा फिजी की भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। पांचवा आर्टिकल है प्रोफेशनलाइजिंग आर्बिट्रेशन, तो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल आया 2018, मतलब अभी स्टार्टिंग में ही जनवरी के, क्यों लेके आए? अब मान लो कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे इंडिया में काम कर रही है और इंडियन कंपनी के साथ उसका झगड़ा हो गया, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी कोर्ट में इतने केसेस, इतना बैकलॉग है, तो फॉरेन कंट्री का बहुत नुकसान हो जाएगा इतने टाइम जब तक चलेगा केस सालों साल, तो ज़रूरत है एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की। तो पहले क्या होता था, अभी लोग जाते हैं सिंगापुर वाले मतलब उसमें आर्बिट्रेशन सेंटर में, ठीक है, बाहर की किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, इसलिए हम न्यू दिल्ली अपना मतलब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाना चाहता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ये हुए थे, बस यही कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन होगा उसे हम नेशनल इंपॉर्टेंस का बनाना चाहते हैं, क्रेडिबल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, इसकी 3 साल टर्म होगी, रीअपॉइंटमेंट अलाउड होगा, ठीक है, साथ ही साथ ये चैम्बर ऑफ आर्बिट्रेशन भी बनाएगा जिसका परमानेंट पैनल होगा, ठीक है, और आर्बिट्रेशन अकेडमी बनाएगा जो आर्बिट्रेटर्स को ट्रेन करेगा ताकि वो वर्ल्ड लेवल के साथ मतलब कम्पीट कर सकें, ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो प्रमोट स्टडी इन फील्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और तो इसमें मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था पॉइंट। लास्ट आर्टिकल है इस रेडियो रेलेवेंट इन 21st सेंचुरी, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे देखने की जरूरत नहीं है, इतना सारा लिखा हुआ है, बस एक मिनट में सुन लो, ठीक है। क्यों जरूरी है, मतलब यस नो और कॉम्प्लिकेटेड वाले पोर्शन में था ये, यस क्यों, क्योंकि देखो आज़ादी के टाइम से जब क्रांतिकारियों ने, एक्टिविस्ट ने, पीपल्स मूवमेंट में रेडियो का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, 100 साल से चलता आ रहा है रेडियो, रीच बहुत अच्छी है, रूरल इंडिया जहाँ पे टेलीविजन इंटरनेट नहीं है वहाँ तक भी पहुँचता है, 99% रीच है, इनएक्सपेंसिव है, 50 रुपये में मिल जाता है रेडियो, पोर्टेबल है, और नो बैरियर टू लिटरेसी, मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं है उस तक भी रेडियो अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा, ठीक है, चीपर ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही साथ साथ वेरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स में भी रेडियो के प्रोग्राम्स आ सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज जैसे बुंदेलखंडी और गढ़वाली, अवधी, संथाली, इनमें भी प्रोग्राम्स आ सकते हैं, जबकि इन लैंग्वेजेस का टेलीविजन पे स्पेस नहीं है कोई, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है मॉर्निंग न्यूज़ सुनने की, कैलामिटी के टाइम पे जब और बाकी सारे जो मीडियम्स है वो इनएसेसिबल हो जाएंगे, तो उस टाइम पे एक रेडियो ही बचेगा मदद के लिए, जैसे सुनामी में या उत्तराखंड फ्लड में, रिलीफ वर्क एड में हेल्प करेगा, एंड इट विल ऑल्सो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ऑफ लिसनर। नो की बात करें तो क्यों, आज के टाइम पे रेडियो सुनता कौन है, रेडियो सिर्फ गाने सुनने के लिए सुनते हैं, वो भी सिर्फ तब जब हम कम्यूट कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस जा रहे होते हैं तब उसमें सुनते हैं, ठीक है, वो भी वही बंदा सुनता है जिसके मोबाइल में इंटरनेट ना हो, ठीक है, डेटा आजकल के बाद सबके पास इंटरनेट है तो वो भी नहीं सुनता कोई। खैर, इंटरनेट ने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया इस इंसेंट टेक्नोलॉजी को, इतनी एप्स आ गई हैं जैसे एप्पल म्यूजिक, गाना सावन, तो ये सिर्फ हम ये गाना सावन मतलब कोई सॉफ्ट म्यूजिक का मान लो सुन रहे हैं तो वो उस चीज को समझते हुए हमें वही प्लेलिस्ट दिखाएगा जहां पे, और मतलब उसी टाइप के सॉन्ग्स, हमारी चॉइसेस को समझता है ये एप्स जो बनाई हैं, तो इसलिए अब रेडियो कौन सुनेगा, रेडियो में अपना इंतजार करेंगे हम कौन सा हमारा गाना पसंद का आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, और ट्रैफिक नेविगेशन में भी हेल्प करता है, कहाँ पे ट्रैफिक है कहाँ पे नहीं है, मतलब ये ऐप्स हेल्प करती हैं,
इसके अलावा पहले रेडियो में ऑडियो गाने आते थे, बहुत चला। उसके बाद जब ये चैनल वी एमटीवी स्टार्ट हो गया तो ये बहुत चला, क्योंकि इसमें वीडियो भी दिखता था। अब ये भी बंद हो गए हैं, अब ये भी नहीं चलते, अब सब इंटरनेट में ही देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या अच्छा हो सकता था, अगर न्यूज़ शोज अगर आते तब शायद रेडियो चलता, लेकिन पॉलिसी मेकर्स ने वो भी होने नहीं दिया, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। हर एक चैनल को, हर एक प्रोग्राम को तो रेगुलेट करने बैठेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड वाले सेक्शन में ये लिखा था कि इंडिया रेडियो का अभी भी रेलेवेंस बचा है, क्योंकि क्लैमिटीज़ के टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अभी रेडियो सुनने के लिए डेटा स्ट्रीमिंग की या फिर इंटरनेट बैंडविड्थ की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है कि ह्यूज लाइसेंस फी है, तो अगर लाइसेंस फी को थोड़ा कम कर दे और रीजनल प्लेयर्स को इंकरेज करें, डाइवर्सीफाई करें, तो बात बन सकती है। ठीक है, कोलंबो का एग्जांपल था जहाँ पे उन्होंने स्पेशलाइजिंग की, मतलब मान लो 20 चैनल है, एक स्पोर्ट्स के लिए हो गया, एक गानों के लिए हो गया, एक किसी मतलब एक कॉमेडी के लिए हो गया, इस टाइप से किया हुआ, तो ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बस और कुछ नहीं था। एक नेपाल का आर्टिकल था, उसमें कुछ भी मतलब खास पढ़ने लायक नहीं था, बस ये था कि वहाँ पे पार्लियामेंट में वेमेन की 33% सीट्स हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो ये 6 और 7 आर्टिकल्स हमने 10-11 मिनट में ही कवर कर लिए, मेरे ख्याल से सबसे लीस्ट टाइम था ये, इससे कम टाइम में तो कोई भी नहीं कर सकता। प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।